नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। आज भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण त्यौहार रक्षाबंधन है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भाई बहन का ये खास पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक भी माना जाता है और इसीलिए इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि राखी के त्यौहार के दौरान भद्रा का साया पड़ता है, जिससे राखी बांधने का समय कम हो जाता है। दरअसल भद्रा काल में रक्षाबंधन मनाना अशुभ माना जाता है और इस कारण जब भी भद्रा काल पड़ता है तो बहनें शुभ मुहूर्त में राखी बांधती है। आइए जानते हैं कि आज भद्रा काल किस समय पड़ेगा और इसके साथ ही ये भी जानते हैं कि बहनें किस मुहूर्त में भाई को राखी बांध सकती है। तो शास्त्र के अनुसार भद्रा काल को एक विशेष समय बताया गया है और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक काम अगर आप करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो वो वर्जित होता है। माना यह भी जाता है कि भद्रा काल के दौरान किए गए कार्य अशुभ होते हैं और इसीलिए आज का दिन भद्रा काल का है, यानी कि आज पूर्णिमा तिथि के शुरू से ही मतलब सुबह से ही भद्रा की शुरुआत हो चुकी है और भद्रा काल की जो समाप्ति है वो 1:30 पर होगी, यानी 1:30 का भद्रा काल खत्म हो जाएगा। रक्षाबंधन राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है वो भी जान लेते हैं। तो भद्रा के कारण राखी बांधने का मुहूर्त दोपहर में नहीं है। दरअसल हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 1:30 से रात के 9:07 तक रहेगा, यानी कुल मिलाकर 7:30 का ये वक्त रहेगा जब आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। और 1:30 के बाद ही आप राखी बांधिए और 9:00 से पहले आप राखी बांध लीजिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा वक्त है राखी बांधने का। अब ये भी जान लेते हैं कि राखी बांधने का सही तरीका क्या है। राखी बांधने के लिए सबसे पहले आप थाली में रोरी, अक्षत, मिठाई और राखी रखें और सबसे पहले अपने भाई की दाहिनी कलाई पर ही राखी बांधें। इस हाथ पर राखी बांधना एक शुभ शगुन माना जाता है। फिर उसे मिठाई खिलाएं और फिर अपने भाई की आरती उतारें और उसके सुख और समृद्धि की कामना करें। इस दौरान भाइयों को अपनी बहनों के पैर भी छूने चाहिए, क्योंकि ये भी शुभ माना जाता है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और इस महापर्व का इंतजार भाई बहन पूरे साल करते हैं और आज का दिन इसीलिए भी खास है क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार भी है और इसके साथ ही पूर्णिमा भी है, तो काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। और ऐसे में भाई बहन अपने प्यार का, अपने एक कह सकते अपने रिश्ते का, एक दूसरे की सुरक्षा का ये वचन देते हैं कि भाई अपनी बहन का सुरक्षा करेंगे और बहन भी अपने भाई के साथ रहेंगे, उनके सुख शांति के लिए कामना करेंगी। तो आज का दिन बहुत ही खास है, हमने आपको बताया कि आप कब राखी बांध सकते हैं। तो 1:30 के बाद ही आप रक्षाबंधन मना सकते हैं, यानी कि अपने भाई को आप राखी बांध सकते हैं। और वैसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।